वेलकम टू माय स्टूडेंट, आपको हम बताएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जो फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आपको सॉल्व करने के लिए इंजीनियरिंग में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो मैथमेटिक्स में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, नोट करिएगा, एफ टी कोई फंक्शन है और इस एफ टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पर जो यस है, यस एक ऑपरेटर है, एक पैरामीटर है, यस एक पैरामीटर है, ये पूरा फंक्शन एस में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, ये आपकी डिफिनीशन है, केवल आपको ये समझना है। समझने के बाद में आपका एक सिंपल सा हम आपको ड्राइव करेंगे लाप्लास वन की वैल्यू निकालने के लिए। तो जहाँ एफ टी है वहाँ वन पुट कर दीजिए, जहाँ एफ टी वहाँ वन पुट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए ई की पावर माइनस एस टी। तो ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करिए और फिर माइनस लगेगा, लोअर लिमिट पुट कर दीजिए 0। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है, और ई की पावर माइनस 0 क्या होता है? 1 होता है। अब ई की पावर इन्फिनिटी 0 कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को राइट डाउन कर सकते हैं ई की पावर इन्फिनिटी से, तो ई की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो आपको पता चल गया होगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आता है? 0 आता है। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको पता चल गया 0 होता है। e की पावर प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, कहीं भी यूज हो सकता है। तो आपको पता चला कि लाप्लास 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई एस होती है। किसी भी लाप्लास ऑपरेटर में जो आपका आएगा, लाप्लास 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई एस होगी। अब आप सीधे फार्मूला याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। क्वेश्चन लगाना पहले आपको सीखना है, हर क्वेश्चन का डेरिवेशन आपको सीखना नहीं है। आपको ड्राइव करना हो तो आप ड्राइव कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, सर इसका ड्राइव कर लीजिए, तो मैं ड्राइव करके आपको अपलोड कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं, आप पहले ये फार्मूला याद करिए। टी की पावर एन जो होता है इसका लाप्लास ऑपरेटर निकालेंगे, तो फैक्टोरियल एन और टी की पावर एन प्लस वन, फैक्टोरियन को लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन एस की पावर एन। यहाँ पर एन बराबर वन पुट कर दीजिए तो टी की पावर वन क्या इतना हो जाएगा? यहाँ वन पुट करिए, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन, वन बाई एस स्क्वायर, यानी लाप्लास टी की वैल्यू क्या होगी? वन बाई एस स्क्वायर होगी। ई की पावर ए टी होगा वन अपॉन एस माइनस ए, जहाँ एस लिखा है वहाँ क्या लिख दो? एस माइनस ए। ई की पावर माइनस ए टी क्या हो जाएगा? वन अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा। यहाँ a लिखा हुआ है तो यस माइनस ए हो जाएगा, यहाँ माइनस ए लिखा है तो यस प्लस ए हो जाएगा। e की पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म a अपॉन, यहाँ कांस्टेंट क्या है? a, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ a है तो यहाँ a नहीं आएगा, साइन में a आएगा, कॉस में s आएगा। देखिएगा, याद करने की ट्रिक है, कॉस यस से ख़त्म होता है तो यहाँ पर ऐसा आ जाता है, साइन में यस एन से ख़त्म नहीं होता है, एन पे ख़त्म होता है, और एन कांस्टेंट एन आ रहा है तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ होगा। इस फार्मूले को इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हाइपरबोलिक आएगा, साइन हाइपरबोलिक आएगा तो यहाँ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक आएगा तो एस स्क्वायर माइनस एस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कॉस कॉस एस का प्रोनंसिएशन आ रहा है तो यस होगा, साइन है तो कॉस आए, साइन है तो कांस्टेंट आएगा। तो चलिए देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा, पूरा प्रयास है हमारा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस फंक्शन को एफ टी कंसीडर कर लेंगे, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, तो एल एफ टी एल टी स्क्वायर, यहाँ लाप्लास ले लिया, यहाँ लाप्लास ले लिया, तो टी की पावर टू है, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू टू होता है, एस की पावर टू प्लस वन, ई की पावर टू टी है तो फार्मूला लगाइए, वन अपॉन एस माइनस ए होगा तो यस माइनस टू हो जाएगा, साइन है पर साइन फोर टी है तो फोर है यानी कांस्टेंट लगेगा, तो फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा।
तो टू अपॉन एस क्यूब, वन अपॉन एस माइनस ए, फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्स। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अच्छा सर, अगला एग्जांपल देखिए, टी की पावर वन बाई टू है, ई की पावर माइनस टी है, साइन हाइपरबोलिक थ्री डी है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो पहले टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ले लेंगे। यहाँ टी की पावर वन बाई टू है तो क्या हो जाएगा, गामा वन बाई टू प्लस वन, एस की पावर हाफ वन बाई टू प्लस वन, ई की पावर माइनस टी है तो वन अपॉन, जहाँ एस माइनस ए होना चाहिए था तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाइपरबोलिक लिखा है तो थ्री अपॉन एस स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे, थ्री बाई टू हो जाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म से लगाना है। चलिए देखिए, इसमें टेकिंग लाप्लास बोथ साइड ले लेते हैं। एफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस वन बाई टू, लाप्लास ऑफ टी की पावर फोर, फोर कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस टू, टी की पावर ई की पावर माइनस टू टी है, ये क्वेश्चन सही कर लीजिए। तो जैसा कि फार्मूला होता था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। गामा माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन एस की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, टी की पावर टी टू द पावर फोर है तो फैक्टोरियल फोर लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में भी होता है और फ्रैक्शन में आएगा तो गामा में लिख दीजिएगा, एक ऐड कर दीजिएगा, एस की पावर फोर प्लस वन, फोर अगर ई टू द पावर माइनस में है तो हम प्लस लिखेंगे, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, एस प्लस टू हो जाएगा ये। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा आपका, माइनस वन बाई टू में हाफ जोड़ेंगे वन बाई टू और एस टू द पावर वन बाई टू, फैक्टोरियल फोर यानी ट्वेंटी फोर, एस टू द पावर फाइव, फोर बाई एस प्लस टू, रूट ये गामा वन बाई टू की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, तो अंडर रूट पाई हो जाएगा, अंडर रूट एस ट्वेंटी फोर, एस की पावर फाइव, फोर एस प्लस टू। तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सोल्यूशन हुआ, नोट कर लीजिएगा सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था, बेसिक ये है, आप बेसिक से समझेंगे अच्छे से, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को फ़ायदा मिले, आप अच्छे से इसको सॉल्व करिए। इसके बाद आती है चेंज स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज स्केल प्रॉपर्टी की खासियत ये होती है, अगर किसी फंक्शन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कांस्टेंट लगा हुआ है, यहाँ कांस्टेंट लगा हुआ है, ए टी लिखा हुआ है, तो चेंज स्केल में वन बाई ए एफ एस बाई ए हो जाएगा। अब एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, ये प्रॉपर्टी इतना जल्दी समझ में आने वाली नहीं है, ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। ये गिवन है, ये गिवन है और कह रहा है ये निकालो, तो आप समझ जाइएगा इसमें चेंज स्केल ही लगना है। यहाँ एफ टी है तो यहाँ टू टी हो जाएगा, तो आप यहाँ टू टी लिखिए, तो जहाँ जहाँ एस था वहाँ क्या चल जाएगा, एस बाई टू, एस बाई टू, एस बाई टू, एस बाई टू, यहाँ पर एक वन बाई टू और होगा, इसमें लिखा नहीं गया है, वन बाई टू होगा जैसा कि लिखा है फंक्शन में, वन बाई टू और लगा दीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे ये आपका रिज़ल्ट आएगा, वन बाई टू भी होगा, यहाँ टू कॉमन करके काट दीजिएगा, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। जहाँ जहाँ यस लिखा था फिर से रिवाइज करा रहे हैं आपको, कोशिश करिएगा समझने के लिए। यहाँ टूटी लिखा था, ये गिवन था टूटी था, तो जहाँ यस लिखा है वहाँ एस बाई टू, जहाँ यस लिखा है वहाँ एस बाई टू, जहाँ यस लिखा है वहाँ एस बाई टू, और पूरे का वन बाई टू इंटू होगा, पूरे का वन बाई टू इंटू कराइएगा और सॉल्व करिएगा,
इसका एलसीएम ले लें, पूरे को सॉल्व करें, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एफ टी लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस हो जाता है। ई की पावर ए टी अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो जो फंक्शन आपका यस था वहाँ यस माइनस ए रिप्लेस हो जाएगा। अब जैसा कि ये फार्मूला होता था, आप ई की पावर ए टी लगाओगे तो जहाँ एस लिखा है वहाँ एस माइनस ए हो जाएगा। कास के फार्मूले में जहाँ यस लिखा था वहाँ एस माइनस ए, ई की पावर ए टी के लगने से दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आप शिफ्ट कर दोगे जहाँ यस लिखा है वहाँ एस माइनस ए, अगर यहीं पर माइनस ए टी होता है तो यहाँ प्लस ए टी हो जाता है। हाइपरबोलिक वाले फार्मूले में भी चेंज करिए, जहाँ यस लिखा है वहाँ एस माइनस ए, जहाँ एस लिखा है वहाँ एस माइनस पे, हाइपरबोलिक में यहाँ माइनस होता है।